गुड़गावा और रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर मेल का पेपर लीक हो गया, प्रथम दृष्टि से साफ है। इसीलिए उन्होंने वो पेपर कैंसिल करके वहीं दूसरा कभी मौके पर करवा लिया। जब उन्हें पता चला ये अब रेवाड़ी में भी लीक हो गया तो रेवाड़ी में दूसरा पेपर दे दिया, फिर पता चला दूसरा भी शायद लीक है तो तीसरा दे दिया, नहीं तो और तो कोई कारण ही नहीं। और गुड़गावा के एक सेंटर में नहीं हुआ, कई सेंटर्स में हुआ। अब इस बात की क्या गारंटी है आप बताइए कि वो पेपर जो गुड़गावा के एक या दो या पांच सेंटर्स में लीक हुआ और रेवाड़ी में लीक हुआ वो बाकी प्रदेश में नहीं बेच दिया गया पेपर लीक माफिया के द्वारा? तो अगर ऐसा है तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा की वैधता क्या बची? ये पहला पहलू। दूसरा पहलू, परीक्षा सेंटरों में जो मुझे भी जानकारी है, हमने भी सरकार चलाई है और कुछ मुझे सिलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा बहुत बाहर से देखकर आइडिया है, परीक्षा सेंटरों में जितने परीक्षार्थी हैं उतनी ही ओएमआर शीट दी जाती है। भाई फालतू दे दोगे तो कोई चोरी करके भर ले बाद में, वो दे ही नहीं सकते आप। तो आप मुझे बताइए फिर गुड़गावा और रेवाड़ी के परीक्षा सेंटरों में दो बार परीक्षा कैसे ले ली गई? दैट मीन्स वहां डबल ओएमआर शीट उपलब्ध थी, और जब तीन बार पेपर दिया गया तो तीन बार ओएमआर शीट उपलब्ध थी। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और खट्टर साहब ये बता दें, दुष्यंत चौटाला बता दें कि भैया परीक्षार्थियों से ज्यादा ओएमआर शीट देंगे तो फिर कोई भी उस सेंटर से वो ओएमआर शीट निकालकर बाद में पिछली डिस्ट्रॉय कर दे, दोबारा भर दे, तो फिर सेफ्टी सिक्योरिटी सेंटिटी एग्जाम की रह क्या गई? दैट मीन्स आप एक रैकेट चला रहे हो।